अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर फाइन स्टूडेंट्स। हम जब अपना चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे द सेल, तो उसमें हमारा एक टॉपिक है जो कि है अबाउट वैक्यूल, के वैक्यूल क्या है। एक्चुअली वैक्यूल जब हम सेल के ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, तो उसमें हम जब डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स को, हमने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्जी अपैरेटस है, लाइसोसोम्स वगैरह, प्रोक्सीसोम्स और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स है। तो इसी तरह से ये भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। अब यहाँ पर ये एनिमल और प्लांट सेल में तो दोनों में ये पाया जाता है, सिर्फ एक्सेप्शन कहाँ पे है कि ये ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है और लार्ज साइज़ में मौजूद होता है प्लांट सेल के अंदर। जो हमारे प्लांट सेल हैं उनके अंदर ये लार्ज साइज़ में मौजूद होता है वैक्यूल। अगर आप जनरली इसको देखें तो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये आपके पास सेल है प्लांट का, क्योंकि प्लांट का जो सेल होता है उसके बाहर एक सेल वॉल होती है, इस तरह से आप समझ लें एक, तो एक लार्ज साइज़ का वैक्यूल जो है इस तरह से वो मौजूद होता है प्लांट के सेल के अंदर। और इसे हम दूसरी शेप में ले लेते हैं, लाइक ये आप समझ लें ठीक है। ये हमारे पास प्लांट का सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन होगी और ये सेल वॉल होगी और इंटरनल जो स्ट्रक्चर है सारा वो साइटोप्लाज्म होगा। तो हम साइटोप्लाज्म की बात डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक लार्ज साइज़ का इस तरह से वैक्यूल मौजूद होगा और यहाँ पर इस तरफ करके न्यूक्लियस मौजूद होगा। अब देखें जो वैक्यूल है वो बहुत लार्ज है, लार्ज साइज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल, क्लियर। अब क्योंकि वैक्यूल बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो इस वजह से उसने जो रिमेनिंग जो इंट्रासेलुलर सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं उसको पेरिफेरल की तरफ पुश कर दिया। जैसे आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो भी पेरिफेरल रीजन की तरफ पुश्ड हो गया। क्यों पुश्ड हो गया? क्योंकि यहाँ पर दरमियान में हमारे पास वैक्यूल बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। इन केस अगर आप एनिमल सेल की बात करते हैं तो वहाँ पर इस तरह नहीं होता, वहाँ पर जो न्यूक्लियस की जो लोकेशन है वो डायरेक्ट सेंट्रल पोजीशन पे होगी, यहाँ पर सेंट्रल पोजीशन पे नहीं होती ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल। अब इसके बाद हमने देखना ये है कि जो वैक्यूल है वो फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहा है। तो अब आप ये देखें कि वैक्यूल जो है इसका मोस्टली फंक्शन ये होता है कि ये स्टोरेज के तौर पर यूज़ होता है, ये स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज जो है ये वाटर की भी हो सकती है और वेस्ट मटेरियल्स जो हैं उनकी भी हो सकती है, वेस्ट मटेरियल्स की जो स्टोरेज है वो भी परफॉर्म कर सकता है और वाटर की स्टोरेज भी परफॉर्म कर सकता है। यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर जो है वो एंटर होता है, उसकी वजह एक होती है। उसकी वजह क्या होती है कि जो वैक्यूल होता है ना, इसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा आयोनिक सब्सटेंसेज उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है, आयनिक सब्सटेंसेज इसके अंदर ज़्यादा मौजूद होते हैं। सो डैट्स वाई यहाँ पर आयनिक सब्सटेंसेज ज़्यादा होने की वजह से जो वाटर है वो इसके अंदर की तरफ मूव करता है बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो वाटर है वो इसके अंदर मूव करता है। तो जब वाटर इसके अंदर मूव करता है तो इसके अंदर वाटर फिलअप होता जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो वॉल्स हैं वो टर्बिड होना शुरू हो जाती हैं, या टर्जिड जिसे हम कहते हैं टर्जिडिटी, जिससे एक प्रेशर बिल्डअप होता है और इसे हम टर्जिड प्रेशर भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो वाटर की वजह से जो इसकी वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगता है, ठीक है ना, वो हमारे पास टर्गर प्रेशर होता है। और जो वैक्यूल की वॉल होती है वो एक ही हमारे पास इसकी मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और इसकी जो वॉल होती है वैक्यूल की उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट, द वॉल ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो ये मैंने इसका आपको बता दिया। अब स्टोरेज करेगा वाटर की और वेस्ट मटेरियल्स वगैरह की, ये स्टोरेज जो है वो परफॉर्म करेगा। इसके अलावा जैसे अगर हम देखें तो वैक्यूल सर्व टू एक्सपेंड द प्लांट सेल विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म, के इसके साइटोप्लाज्म के को डाइल्यूट किए बगैर
ये सेल को एक्सपेंड करता है, ठीक है ना, इस तरह से एक्सपेंड करता है सेल के साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट किया गया। डाइल्यूशन उस वक्त होगी कि जब हमारे पास वाटर कॉन्टेंट्स ज़्यादा हो जाएं और सोल्यूट कॉन्टेंट्स कम हो जाएं। जितने सोल्यूट कॉन्टेंट्स ज़्यादा होंगे तो इन्वायरमेंट कंसनट्रेटेड रहेगा, और अगर तो हमारे पास वाटर कॉन्टेंट्स ज़्यादा हो जाएँ तो वो इन्वायरमेंट डाइल्यूट हो जाएगा। तो इस इन्वायरमेंट को डाइल्यूट किए बगैर जो वैक्यूल है वो प्लांट के सेल को एक्सपेंड कर देता है। इसके बाद द प्लांट वैक्यूल इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द टर्गर डेट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द इंडिविजुअल प्लांट सेल एंड कंट्रीब्यूट्स टू रिजिडिटी ऑफ द लीव्स एंड यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक छोटा सा टॉपिक था कि जनरल इन्फॉर्मेशन थी वैक्यूल की, और आपने याद रखना है कि वैक्यूल के इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसमें आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो इसी वजह से जो वाटर है वो उसके इनसाइड मूव करता है, और बाय अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, कि एक हमारे पास जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो इस ऑस्मोसिस के ज़रिए जो वाटर है वो आयनिक सब्सटेंसेस क्योंकि अंदर की तरफ मूव करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक सब्सटेंसेस इन द वैक्यूल। तो ये हमारे पास जो वैक्यूल था छोटा सा टॉपिक ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो साइटोस्केलेटन के ऊपर होगा, ये हमारा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।